व्हाट इज़ अप फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में आपको जो है एक दो ब्लॉग पहले मैं आपको जो बताया था कि मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तो वो सरप्राइज़ मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। वैसे आपको पता लग गया होगा क्योंकि हमने भी मैं लगा दिया कुछ होगा तो पहले से पता हो, जो मुझे इंस्टाम पर पहले से फॉलो करते हैं तो इंस्टाम पर मुझे फॉलो कर दिया अभी के अभी। और अभी अभी मैं जरा जिम से आया हूँ, पहले थोड़े बहुत काम है वो निपटाने हैं और नहाना भी है, सब कुछ करने के बाद उसके बाद मैं आपको जो है वो सरप्राइज़ दिखाऊँगा। फिलहाल मैं नहा जाता हूँ, अभी मैं नहा के तो वापस आ चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ दोबारा से ऊपर अपने तीसरे चैनल की वीडियो शूट करने, जिसके लिए यहाँ मेरे ये रहा कैमरा, उसका पावर बैंक और साथ साथ मेरा माइक, तो इन सब चीज़ों के लेके मैं ऊपर जा रहा हूँ और अपने तीसरे चैनल की वीडियो शूट करता हूँ। चलिए तो यार फाइनली अभी मैंने वीडियो तो शूट कर ली है, कैमरा मैंने अंदर दिया वापस से, तो अब मैं वो सरप्राइज़ दिखाने वाला हूँ आपको। मैं एक्चुअली वहीं जा रहा हूँ, वैसे आपने पहले देखा हुआ पर फिर भी मेरे साथ आप दोबारा देख लीजिए, मतलब व्लॉग में मैं तो आज दिखा रहा हूँ ना, बाकी इंस्टाग्राम पे तो मैंने पहले ही बता दी। खैर ये स्टार्टर खोल दिया है और ये रहा वो सरप्राइज जो मैंने अभी नया बाइक खरीदा है, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 डुअल चैन, और ये कलर जो स्टेल्थ ब्लैक कलर में खरीदा है मैंने इसको कम्प्लीटली, आप यहाँ देख सकते हैं इसको। तो फिलहाल अभी आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है इस टाइम, ये देखिए गंदा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फिलहाल फटाफट से मैं पहले इसको बाहर निकालता हूँ, अच्छे से वॉश करता हूँ, फिर आपको सारे फीचर्स जो भी इसमें मिलता है सब कुछ इसके बारे में बताऊँगा। पहले फटाफट से इसको बाहर निकालते हैं, मैं स्टार्ट ही करता हूँ पहले एक बार। तो ये रही इसकी चाबी और यहाँ से मैंने करा इसका ऑन, न्यूट्रल है हाँ जी, तो यहाँ से ऑन और ये रहा हमारा बाइक जो अभी स्टार्ट है इस टाइम। तो फटाफट से मैं इसको जो है कम्प्लीटली वॉश करता हूँ बाहर जगह, मतलब इसको वॉश करता हूँ और जो उसके बाद फिर इसको कम्प्लीटली आपको जो है सबके बाद सब कुछ बताऊँगा जो भी इसमें फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो अभी मैंने जो है बाइक को यहाँ पे बाहर निकाल दिया है, अब फटाफट से मैं टूल पंप ऑन करता हूँ और इसको वॉश करता हूँ अच्छे से। तो टूल पंप हमारा जो है यहाँ से ऑन होगा, तो ये कर दिया मैंने ऑन टूल पंप और पानी भी अब आ ही जाएगा, आ रहा है थोड़ी हवा की, पानी भी आ चुके हैं। अब फटाफट से इसको जो है वॉश कर लेता हूँ मैं अच्छे से। तो अभी हमने बाइक जो है कम्प्लीटली वॉश कर दी है और काफ़ी ज़्यादा चमकने लगी है, तो ये रही हमारी यहाँ बाइक जिसको मैं पूरा ओवरऑल आपको दिखा देता हूँ। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है और बल्कि सी लग रही है, मस्ती लग रही है। और अब मैं चारों सारे फीचर्स आपको इसके बारे में बताता हूँ कि आपको इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं नए जो हैं। सबसे पहली जो मुझे सबसे बेकार चीज़ लगी जिसके अंदर वो है कि इसमें जो है किक जो है निकाल दी, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोई भी किक नहीं मिलती है, इसमें जो है किक निकाल दी गई है जो मुझे काफ़ी बेकार चीज़ लगी क्योंकि मुझे किक चाहिए थी, पर क्या क्या कर सकते हैं अब किक नहीं है तो नहीं, किसी मॉडल में नहीं है 2001 से बस किसी भी मॉडल के अंदर जो उन्होंने किक नहीं दी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। यहाँ आपको इससे देखें तो यहाँ पर आपको एक जो है सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है, यहाँ पे ऑन करके आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको ऑन कर सकते हैं, चाबी ऑफ इसलिए अभी ऑन नहीं हुई है तो यहाँ से ऑफ कर देते हैं। साथ साथ आपको जो है चारों वाले जो इंडिकेटर होते हैं, जो चारों इंडिकेटर एक साथ जगते हैं वो यहाँ से आप जगा सकते हैं, इसमें वो वाला फीचर भी मिल जाता है। बाकी ये मिरर है इसका और साथ में ये जो ब्रेक है फ्रंट ब्रेक, और यहाँ पर जो है लिक्विड ब्रेकिंग का सिस्टम मिल जाता है जिसमें आपको ये जो है फ्रंट लिक्विड फ्रंट ब्रेकिंग की लिक्विड है, और यहाँ पर नीचे जो आपको देखिए ये वाला ये जो है बैक ब्रेकिंग के लिक्विड है, और आपको इसमें डबल ABS भी मिल जाता है, इसके अंदर दो ABS मिल जाए, दो ABS का सिस्टम इसके अंदर मिलता है। और उसके अलावा बात करें तो इस साइड आपको जो है ये देखिए यहाँ पे जो है ये पास का बटन मिलता है, एक तो इससे पास दे सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली हाई बीम यहाँ से कर सकते हैं, वरना लो बीम तो परमानेंट ऑन रहती ही है। साथ में ये इसके नीचे साथ यहाँ पे नीचे इंडिकेटर वाला साइन है, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर दोनों मिल जाते हैं आपको इसके अंदर। साथ साथ यहाँ पर क्लच है, टोटल इसमें गियर वाला सिस्टम है, टोटल 5 गियर हैं, पहला आगे को बाकी सारे पीछे को
और जो सेकंड नंबर मतलब न्यूट्रल हो जाता है, और ये बैक गियर का सब कुछ पता ही है। खैर बाकी आपको फ्रंट साइड भी यहाँ पे दिखी, इस तरह का जो है फ्रंट सिस्टम मिल जाता है यहाँ पे, आपको जो है स्पीड दिखती है, साथ में यहाँ पे जो आपको थोड़ी छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है, इसमें तो जो है तेल वगैरह देख सकते हैं कि पेट्रोल कितना है, कितने मीटर चली है, कितने किलोमीटर चली है, मीटर नहीं सॉरी कितने किलोमीटर चली है, साथ साथ टाइमिंग भी आप यहाँ देख सकते हैं। साथ साथ इसका जो बटन है वो आपको यहाँ इधर मिल जाता है, ये देखिए ये रहा इसका बटन, जैसे इसको दबाएंगे तो यहाँ पे जो सब कुछ चेंज होता है, जिसमें इसको अभी जो जैसे किलोमीटर पे दिखा रहा है ना, तो यहाँ मैं इसको टाइम पे लेके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ मैं गया, ये गया टाइम, अभी देखिए टाइम भी यहाँ दिख रहा है इस तरीके से। साथ में ऊपर जो है यहाँ पे जो है पेट्रोल वाला साइन दिखता है, साथ में आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ पे आप छोटी सी डिस्प्ले भी लग सकते हैं, जिसमें आप जो नेविगेशन डिस्प्ले लग जाती है यहाँ पे, जो आपके डायरेक्टली फ़ोन से कनेक्ट होती है। साथ में जो हैंडल जो लॉक होता है वो भी जैसे इस साइड को लॉक होता है, और यहाँ चाबी से ही लॉक हो जाएगा, इसको यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया, अभी हमारा जो हैंडल है वो यहाँ पे लॉक हो चुका है इस तरीके से। साथ साथ अब मैं जो इसको ऑन कर दिखाता हूँ आपको, यहाँ मैंने इसको ऑन करा, चाबी अभी 1, 2 और यहाँ पे ऑन हो चुकी है। साथ साथ आपको यहाँ पे थोड़े बहुत इंडिकेटर्स मिल जाते हैं बैटरी के, न्यूट्रल के, और इंजन वगैरह जो पेट्रोल का सब कुछ यहाँ पे इसको जो है आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाते हैं, छोटे छोटे से ABS का इंडिकेटर भी आपको यहीं मिल रहा है। साथ साथ अभी मैं इसके यहाँ पे इसे ऑन करता हूँ, इसको यहाँ पे ये ऑन करा मैंने, और ये होगी हमारी बाइक यहाँ पे स्टार्ट। और यहाँ पे आप कम्प्लीटली एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ी सी रेस करके भी दिखाऊंगा। अभी जो इसका सेंसर है वो इसके जो साथ मिलता है वही वाला सेंसर है, कोई एक्स्ट्रा सेंसर मैंने नहीं इस पर नहीं लगाया है, और ना ही मैं कोई एक्स्ट्रा सेंसर इसके ऊपर लगाने वाला हूँ। और यहाँ पे इसमें को रेस की पूरी इस तरह की साउंड है इसकी, तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ, थोड़ा रेस्ट करने दीजिए, काफ़ी टाइम से मैंने नहीं भी चलाया वैसे। और हाँ, इसके साथ आपको जो यहाँ पे मिल जाता है, इसमें इसको यहाँ पे इसको खोलूँ अगर मैं, थोड़ा धक्का देना पड़ता है यार, तो ये खुल गया दोबारा से थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए आपको एक फर्स्ट एड किट मिल जाती है इसके अंदर, साथ साथ यहाँ पे एक टूल किट भी है, जो ये दिख रही है वो निकालनी पड़ेगी। अब मैं वैसे बता दूँ टूल किट मिल जाती है थोड़ी बहुत, उसमें जो टूल्स वगैरह होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, कहीं भी एमरजेंसी में काम हो जाते हैं। और दूसरी साइड दिखाऊँ आपको मैं, तो दूसरी साइड आप अपने पेपर वर्क वगैरह रख सकते हैं, ये आसानी से खुल जाता है, यहाँ आप पेपर वर्क रख सकते हैं, बाकी अंदर तो कुछ खास रखने वाले जगह है नहीं, क्योंकि ये इसी के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसको पेपर वर्क रख दिया, और यहाँ इसको मैं बंद, यहाँ मैं ऐसे कपड़ा भी रख देता हूँ अपना, जो बाइक वगैरह साफ़ करने के काम आता है। पर अभी मैंने जरा बाइक वॉश की है तो वो कपड़ा थोड़ा गीला है, तो थोड़ा सूखने के बाद रखूँगा उसको यहाँ पर मैं। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी बाइक किस तरह की दिख रही है। ओवरऑल मैं प्राइस की बात करूँ तो मुझे कितने की पड़ी है, तो ये मुझे पड़ी है 2,70,000 की कंप्लीट बाइक पड़ी है मेरे को, जिसमें मुझे इसके साथ जो है एक साल का जो इंश्योरेंस मिला है जो रॉयल एनफील्ड की तरफ से मिला है, और 4 साल का एक एक्सटर्नल जो है इंश्योरेंस मिला है, मतलब टोटल 5 साल का इंश्योरेंस मुझे इसके साथ मिला है उसी प्राइस के अंदर, मतलब 2,70,000 के अंदर, जिसमें मैंने जो है अलग से जो लगा है इसमें वो ये ग्रिल लगी है, वो भी उसी प्राइस के अंदर है, साथ साथ ये जो इंजन गार्ड है ये लगा है, नाम मैं भूले क्या बोलते हैं इसको, लेकिन खैर ये भी लगा, ये स्टील का है ये भी, और ये भी स्टील का है, ये दोनों चीज़ें लगी है। साथ साथ मैंने सीट कवर भी खरीदा इसके लिए, यहाँ पे सीट के ऊपर लगाने के लिए, जो अभी मेरे पास नहीं पहुँचा है क्योंकि अभी उनका अवेलेबल नहीं था, कुछ टाइम बाद आएगा। जैसे ये दोनों चीज़ें भी अवेलेबल नहीं थी, ये भी कुछ टाइम बाद लगाई मैंने जाके, अभी सीट कवर दोबारा से अभी कुछ दिन बाद आएगा, तो जैसे ही वो आता है मैं साथ साथ को लगा लूँगा। बाकी आप जो है लास्ट टाइम मेरे बाइक को यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे बाइक को यहाँ पर देख सकते हैं, जो मतलब कितना बढ़िया लग रहा है, और मैं ऊपर से दिखाऊँगा आपको, तो यहाँ से देखने में तो और ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ मोटर व्लॉगिंग दोबारा से यहाँ पे शुरू करूँ, अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यू आए तो मैं वो दोबारा से शुरू कर दूँगा। तो खैर आज के व्लॉग में बस मैं यही बताना चाहता था, आपको बाइक दिखाना चाहता था बस, और कुछ नहीं करना चाहता था बस। तो दोस्तों फिर बस आज के व्लॉग में इतना ही, अगर कोई वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी और व्लॉग्स देखने के लिए। साथ साथ मैं इसके ऊपर जल्दी ही लैमिनेशन भी कराने वाला हूँ, सोच रहा हूँ करवाऊँ कि ना कराऊँ, अगर इस वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आए तो मैं लैमिनेशन भी करा के दिखाऊंगा कि किस तरह की लैमिनेशन किस तरह से होगी, और कहाँ जाके मैं इसके ऊपर लैमिनेशन करूँगा, सब कुछ दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अगर आज के ऊपर अच्छे खासे वीडियो मतलब इस वीडियो के ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ आ गए तो। ठीक है, बाय बाय।